पूरे देश में आर्थिक भयंकर संकट है। पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल के सरनी में हिंदुस्तान आ गया है, जो इसका विकास दर है। जो पैसा देश के लिए भाग गया सब, इसको दबाने के लिए एनआरसी ले आके हिंदू मुसलमान के आधार पर कि जनता के दिमाग इसी में फंसा दिया जाए, लोग हमसे हिसाब किताब नहीं लेंगे, इसी को इधर से उधर दिशा मोड़ने के लिए एनआरसी और रजिस्टर लिया गया है। इसका हम लोग विरोध करते हैं कि अब बात होना चाहिए कि देश के महंगाई पर, आर्थिक संकट पर, ये सारे चीज़ के छोड़ के, और यह नया खेल है, यह नया खेल में सरकार झोंकना चाहती है। लेकिन हिंदुस्तान के हर कोना से आवाज़ उठा रहा है कि यह कानून गलत है, जो आपने वर्ल्ड बैंक का रुपया आपने लूटा, पेंशन के पैसा आपने लूट लिया है, और इसको दबाने के लिए एनआरसी आपने लिया। हम लोग इसको विरोध करते हैं, इसको वापस लिया जाए, और हम लोग इस देश में रहते हैं। हम ये सिवान की धरती पर भाकपा माले द्वारा मालव श्रृंखला गरीबों को बनाए हैं, क्योंकि एनआरसी, एनपीआर और सीएए यह एक काला कानून है, और इस कानून के वापसी के लिए हमने मानव श्रृंखला बनाया है। सब लोग जानते हैं इस बात को, नीतीश जी भी जानते हैं कि जब कोई सर्वे होता है तो उसमें गरीब वंचित रह जाता है। ये 2011 के सर्वे को आप देख लीजिए, बड़े पैमाने पर गरीब वंचित रह गए। अभी जो सर्वे हुआ फिलहाल, उसमें से गरीबों का ही नाम कट रहा है और अमीर लोग जुड़े हुए हैं। वोटर लिस्ट का सर्वे होता है तो गरीब वोट से वंचित हो जाता है। अब ये सर्वे होगा और गरीब वंचित हो जाएगा, तब तो उसको अब जेल ही जगह रहेगी। इसलिए हमारी ये चिंता है, और हम सभी गरीबों से ये कहना चाहते हैं कि इस एनआरसी, सीएए और एनपीआर का हम कड़ा विरोध करें। बैठ लेना।